हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है डे 35 और दो दिन के लिए थी मैंने रेस्ट। ऊपर से सैयम ने तोड़ दिया था फ़ोन मेरा, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। ये रहा वो फ़ोन जिसके कर दिए हैं चूरे ही चूरे, राइट। सो ये ठीक करवाने में लगेंगे 3 से 4 दिन, ऐसा दुकानदार ने बोला है। बाकी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि स्क्रीन भी उसके पास कॉम्बो नहीं पड़ा हुआ। सो टाइम लगेगा उसको, तब तक के लिए मैंने सैयम की मम्मी का फ़ोन ले रखा है उधार पे कि वीडियो तो बनानी है मेरे को। सो आज हम करेंगे लेग्स का वर्कआउट और दो दिन मैंने ली रेस्ट। क्यों? क्योंकि जो हमने आजकल 15 kg की वेस्ट के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो वो काफ़ी हार्ड है। सो रिकवरी को काफ़ी टाइम लग रहा है। तो जब मैंने शोल्डर का वर्कआउट किया, सो पूरे बैक में, शोल्डर में दर्द ही दर्द, पेन ही पेन, पर वो वाली पेन जो मिट्टी मिट्टी पेन थी ना, वैसी सी पेन थी। सो मतलब उसका यही रिज़ल्ट है कि हमारी स्ट्रेंथ में इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो जो कि अच्छी बात है। सो आज हम करेंगे लेग्स का वर्कआउट, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स रोल। ऑलराइट गाइस, सो 15 kg की वेस्ट के साथ हम हैं रेडी वर्कआउट के लिए लेग्स के। सो सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको इंजरी से बचना है और लॉन्ग लास्टिंग बॉडी चाहिए और आप हमेशा के लिए वर्कआउट करते रहना चाहते हो, सो इंजरी से बचना काफ़ी ज़रूरी है। सो स्टार्ट करूँगा मैं जंपिंग जैक से। अब हम करेंगे मूव ऑन हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की ओर। सो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी सिंगल लेग रोमेनियन डेडलिफ्ट। सो स्टार्ट करता हूँ। ये बेसिकली हमें बैलेंसिंग में काफ़ी हेल्प करेगी, राइट, और हमारे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। सो मैं करके बताता हूँ। बाकी इस जैकेट के साथ पता नहीं मैं बैलेंसिंग कर पाऊंगा या नहीं, सो देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मतलब कि उतनी अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज नहीं कर पाया, क्योंकि हम ये वेट यूज़ कर रहे हैं 15 kg का। सो इससे हर एक्सरसाइज काफ़ी मुश्किल बनती जा रही है। बाकी जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था कि इस जैकेट को पहनने के बाद अब ऐसा लगता है कि मैं एक तरह से बिगिनर बन गया हूँ। ऑलराइट, अब हम करेंगे ग्लूट ब्रिज। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, ये है हमारे ग्लूट्स के लिए। सो काफ़ी इफेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है।
सो स्टार्ट करता हूँ मैं। हम करेंगे स्विचिंग लंजेस। सो ये काफी आप कह सकते हैं ऑल इन वन एक्सरसाइज है। ये आपके क्वाड्स, ग्लूट्स, एब्डक्टर्स, काफ्स, सारी की सारी मसल्स को कवर करेगी लोअर बॉडी की। सो स्टार्ट करता हूं मैं। ये अब तक की सबसे टफेस्ट एक्सरसाइज लगने को, और जैसे कि मैंने बताया था हर मसल इंगेज हो गई है इसके साथ। सो इसके भी मैं 3 सेट्स मारूंगा। ऑलराइट गाइस, सो अब हम पिछली एक्सरसाइज की तरह ये एक्सरसाइज भी ऑल इन वन एक्सरसाइज है हमारे क्वाड्स, ग्लूट्स, एब्डक्टर्स के लिए। सो स्टार्ट करता हूँ मैं। अगर आप फ्रंट स्प्लिट या फिर मिडल स्प्लिट करना चाहते हो सो उसमें भी आपको हेल्प करेगी। सो लेट्स रोल। अब हम करने वाले हैं ऑल्ट कर्सी लंजेस। सो पिछली एक्सरसाइज की तरह ये एक्सरसाइज भी ऑल इन वन एक्सरसाइज ही है। इसमें भी हम क्वाड्स, एब्डक्टर्स और हैमस्ट्रिंग्स को टारगेट करेंगे, और ये हमें काफ़ी और एडवांस एक्सरसाइज करने में हेल्प करेगी। सो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो अब हम करेंगे मूव ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। ऑलराइट गाइस, अब हम करेंगे सुमो वॉक। सो ये काफी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम, और ये हमारी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगी और हमें हेल्प करेगी एडजस्ट करने में ये वेट। सो स्टार्ट करता हूँ। कुछ नहीं करना, बस सुमो पोजिशन में आना है और वॉक जाएगी। ऑलराइट गाइस, सो ये थी हमारी सुमो वॉक और थी काफ़ी एक्सरसाइज। सो इसी के साथ हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। अब हम करेंगे काफ रेजेस। इसके बिना लेग्स का वर्कआउट है इनकम्प्लीट। सो करते हैं स्टार्ट। ऑलराइट गाइस, सो इसी के साथ आज का वर्कआउट होता है ख़त्म। सो वर्कआउट था काफ़ी डिफ़िकल्ट, जैसा कि आप देख सकते होंगे अभी भी एक्सरसाइजेज है जो मैं प्रॉपरली नहीं कर पाता जस्ट बिकॉज वी आर डूइंग यूजिंग दिस 15 kg जैकेट। सो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट जैसा कि मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज को हम और डिफ़िकल्ट बनाते रहेंगे ताकि हमारी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो। तो
देखते हैं 60 डेज बाद कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। बाकी अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रही है इस जैकेट को यूज़ करने के बाद। चलो बाकी 60 डेज के बाद ही पता चलेगा, बट मैं आपको आई गेस 45 डेज के बाद भी अपने रिजल्ट्स शो करूँगा। सो अगर वो देखना चाहते हो आप, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच ऑल ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज। सो इसी के साथ आज का प्रोग्राम करते हैं ख़त्म। सो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे मोटिवेटेड, कीप ऑन डूइंग एक्सरसाइज। विल मीट यू टुमारो विद न्यू रूटीन। बाय।